करना है, हर एक की जिज्ञासा है कि कल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ वो सरकार बनाएगी। और लोग पूछते हैं कि क्या आधार है, मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए, क्या किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा? उन्होंने स्पष्ट रूप से, लोग कहते हैं कि अपना मतदान वो गोपनीय होता है, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, पहले से धान को मार्केट में सोसाइटी में भेजना बंद कर दिया, ये डिक्लेयर करके कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तभी हम धान सोसाइटी पे देंगे। कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया, राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास किया कि किसानों का कर्ज माफ होगा, और 10 दिन के सीमा के अंदर कर्ज माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा, बोनस दिया जाएगा, और जो सरकार चली गई, जो किसान विरोधी सरकार जिन्होंने वादा करके केवल चुनावी वर्ष में बोनस दिया, जो 2 वर्ष का बकाया बोनस रह गया उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी, इस पे सब पे विश्वास किया, पूरी तरह से उन्होंने विश्वास किया और कहा कि ये सरकार आ जाएगी, बन जाएगी, तो उसी के बाद हम धान सोसाइटी पे भेजेंगे। नौजवानों ने बहुत वादे किए थे, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर रहा, जो नोटबंदी के माध्यम से GST के जिस तरह से लागू किया वो नौजवानों के साथ ठगी हुई, धोखा हुआ, वो जानते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रोग्रामों में नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे यूथ कांग्रेस और NSUI ने भी